असलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अडोब इलस्ट्रेटर्स में लोगो डिज़ाइन देखेंगे। स्टार का लोगो डिज़ाइन करेंगे और बहुत ही खूबसूरत लोगो है। इसको आप लोग ये देखिएगा और इसको इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो आपको करवाई जा रही हैं ये आपके लर्निंग के पॉइंट व्यू से, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक जो है इसमें से एक टूल लेंगे जिसे पॉलीगोन कहते हैं। एक हमने पॉलीगोन डिज़ाइन की, पॉलीगोन को डिज़ाइन करते वक्त आपने शिफ्ट को प्रेस कर लेना। जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपकी पॉलीगोन डिज़ाइन हो जाएगी। इसको आपने ये देखें, डिज़ाइन करने के बाद अब इसके कॉर्नर पर जो है ना, ये इसका आप देख रहे हैं, जब ये हम पॉलीगोन बनाते हैं तो आप लोग इस पॉइंट को देखें, इससे अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इसके जो है ना पॉइंट थ्री साइड रह जाती हैं, और आप इसी को नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो ये साइड ज़्यादा हो जाती है। तो हमने फ़िलहाल इसको जो है वो इस पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाना है और थ्री साइड को डिज़ाइन करना है। थ्री साइड को डिज़ाइन करने के बाद आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, यानी ये आपने इसको कॉपी किया और साथ ही इन फ्रंट ऑफ पेस्ट इन फ्रंट ऑफ कर दिया। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी। इसको शिफ्ट दबा कर रोटेट करें, ये डबल बन गया, ठीक है ना। और इसको फिर एक बार आप लोग क्लिक करें और पेस्ट दोबारा कर दें, और इसको इस थर्ड जो है ऑब्जेक्ट को आपने आल्ट और शिफ्ट के ज़रिए इसको सेंटर में ड्रॉ कर लेना। इज़ इट क्लियर? आप इसका एक बार ये इसके हम लोग फिलिंग ऑफ कर देते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा। अब हम लोग इसको मर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके हम लोग लाइन लगाएंगे। कैसे लाइन लगाते हैं? आप एक लाइन ले लेंगे और इस पॉइंट से लेकर एक पॉइंट से ठीक है, और अब जो है वो इसकी भी लॉजिक है कि आपको इधर से जो है वो क्यों इस तरह कहा जा रहा है कि आप इसका पूरी आउटसाइड भी निकालें और इसको इसको आप चेंज कर लेंगे। ये स्पेशली आप लोगों ने थोड़ा सा बाहर निकालना है ताकि आप लोगों से जो मिस्टेक है वो ना हो सके। अब इसको शेप बिल्डर टूल को लें, लेकिन उससे पहले इन सबको सेलेक्ट कर लें। शेप बिल्डर टूल की मदद से आप लोग ये जो है ना इसको पोर्शन को ऐसे और फिर ऐसे कर लें, इधर और इधर और इधर कर दें। ये आपने टूल को जो है वो मर्ज करना है, ठीक है जी। और अब आपने एक्स्ट्रा टूल जो है ये इसको मर्ज करें। अब इसको एक्स्ट्रा टूल को आप लोग रेस कर देंगे आर्ट की मदद से, ये जो एक्स्ट्रा टूल हमने निकाले थे ये। और अब जो है हमने इसका कलर फिल करना है। कैसे कलर फिल करना है देखिएगा, यहाँ हम लोग शेप बिल्डर टूल लेंगे और इसमें से कलर कोई भी आप कलर फिल कर लें। फिल कलर
ठीक है, और नेक्स्ट कलर जो है वो आपने डार्क ब्लू लेना है, यहाँ दोनों में क्लियर। इधर आप लोगों ने मल्टी कलर, ये आप लोग देख रहे हैं, मल्टी कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, अब इसमें मल्टी कलर में हम लोग ये डिफरेंट कलर देख सकते हैं ताकि ये ज़रा खूबसूरत लगे। और इसके सेंटर वाला कलर आपने स्पेशली येलो करना है, तो इस तरह हमारे पास एक लोगो डिज़ाइन हो गया स्टार के। ठीक है, आप इसमें जो कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसमें लाइट कलर ही आएगा और वो येलो कलर ही सूट करता है। क्लियर, तो यहाँ के लिए हम लोग ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये हमारा स्टार जो है, स्टार लोगो तैयार हो गया। ये आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा।